हे गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग्स। मैं हूं महक और आप सभी का नमाया ब्लॉग्स में स्वागत है। गाइस, आप लोग मस्त बिंदास और एकदम झक्कास होंगे, आई होप। मैं भी बहुत अच्छी हूं गाइस। और आज मैं जा रही हूं उज्जैन नगरी जा रही हूं महाकालेश्वर के दर्शन करने। जी हां, तो आप लोग मेरे साथ मेरे वीडियो पे ज़रूर से बने रहिएगा ताकि आपको मैं उज्जैन नगरी के दर्शन करवा पाऊँ। और महाकालेश्वर के दर्शन तो मैं थंबनेल में लगा के आपको करा ही दूंगी गाइस। वहाँ पर मोबाइल अलाउ नहीं है अंदर, तो मैं वहाँ पर वीडियो या फ़ोटो नहीं ले सकती हूँ, ना ही मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ। ये मैं रास्ते का सीन आपको दिखा रही हूँ जब मैं इंदौर से जा रही हूँ कहाँ, उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने। जी हाँ, तो मेरे को ना धूप लग रही थी एक साइड, क्योंकि शाम का टाइम था तो सर भी दर्द कर रहा था यार, एक साइड का सिर दर्द कर रहा था। तो फिर बार बार ऐसे मैं हाथ लगा रही थी अपने आँख पे कि धूप लग रही है। और ये मैंने स्पीड बढ़ा दी रास्ते की, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि फिर आप लोगों को समझ नहीं आता ना कि और इतना लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं और स्किप कर देते। तो भाई उज्जैन नगरी अगर आप लोगों को भी देखना है तो बिल्कुल देख सकते हैं गाइस। ये देखिए, ये गेट बना हुआ है शिव जी का। मैं पहुंच गई उज्जैन नगरी, ये देख सकते हैं आप। और रश कितनी है ये देखिए, मैं लाइन में लगी हुई हूँ गाइस। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आप कुछ पूछो ही मत, हद से ज़्यादा भीड़ है। और इतना लंबा लगा हुआ था ना लाइन, इधर से पूरा बाहर का ये सीन दिखा रही हूँ, बाहर से लाइन लगी हुई थी शाम के टाइम पे, बाहर से लाइन लगी हुई है। आप देख सकते हैं गाइस, इतनी हालत ख़राब थी, 4 घंटे इसी लाइन में फंसे रह गए, दिमाग की दही हो गई। मतलब अब ये अंदर थोड़ा सा एंट्री करने मिली है तो हम लोग आ गए हैं अंदर। सारे जितने लोग बाहर खड़े थे, ये देखिए बच्चों को तो सिर पर बिठा रखा लोगों ने। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बच्चे परेशान हो रहे थे, बड़े परेशान हो रहे थे कि बच्चे तो होंगे। ये अंदर का सीन है जहाँ से अंदर जाते हैं शिव जी के दर्शन करने के लिए। जहाँ तक मोबाइल अलाउ होगा इसमें लेके जा रही हूँ, आप लोगों को बिल्कुल दिखा रही हूँ। और जहाँ से मोबाइल अलाउ नहीं होगा तो फिर मैं हटा दूँगी, क्या ही कर सकते हैं। पुलिस भी लगी रहती है ना इधर तो, और इधर के जो लोग हैं वो भी लगे रहते हैं, सिक्योरिटी यहाँ की जो रहती है वो मोबाइल अलाउ नहीं करते हैं। कितना ज़्यादा भीड़ है आप देख सकते हैं, ये तो हालत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा। और ये मैं पहुँच चुकी हूँ अंदर, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सही लग रहा है। ये महाकालेश्वर मंदिर लिखा हुआ है, ओम श्री महाकालेश्वर मंदिर ये लिखा हुआ है। ये अंदर पहुँच गई हूँ मैं, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से गेट बहुत ही पास में है शंकर जी का, जहाँ पे हमें महाकालेश्वर के दर्शन होंगे। फाइनली शिव जी ने बुलाने दिया महाकालेश्वर। मैं काफ़ी बार जा चुकी हूँ लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम मैं नाइट में आई हूँ, क्योंकि नाइट में इधर का जो लाइटिंग है ना वो बहुत ही खूबसूरत लगता है गाइस। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्यारा नज़ारा है गाइस। और महाकालेश्वर जो है दयालु। मैंने सोचा यार मैं भी चली गई। और गाइस, ये मंदिर के बाहर का सीन दिखा रही हूँ आपको। हम लोग जब दर्शन करके वापस आ गए तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखिए महाकालेश्वर का मंदिर है, ओम लिखा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है ना। रात में ये सब देखने मिलता है, दिन में तो धूप लगती है और ये सब नज़ारा दिखता नहीं, इसलिए मैं नाइट में गई। हे गाइस, जस्ट अभी पहुँची मैं रूम और बहुत थक गई हूँ। 5 बजे निकली थी रूम से, शाम को गई थी मैं उज्जैन दर्शन करने के लिए महाकाल के। और कॉरिडोर भी देखना था लेकिन कॉरिडोर में आज नहीं देखी। सेकेंड ट्रिप पे आपको ज़रूर से कॉरिडोर दिखाऊंगी पूरा अच्छे से। आज तो इतना भीड़ थी कि लाइन में ही पूरी हालत ख़राब हो गई, आपने वीडियो में देख लिया होगा जितनी ज़्यादा भीड़ थी। मतलब लाइन में हम 3 से 3.5-4 घंटे लगे रह गए, तो मतलब हालत ख़राब हो गई। तो गाइस, इसके लिए कॉरिडोर में मतलब दिन में देख चुकी हूँ, दिन में तो गई थी मैं, लेकिन रात में वहाँ का नज़ारा ही कुछ और होता है, क्योंकि लाइट रहती है ना, लाइटिंग का रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने दिन में तो देखा था और बहुत ही खूबसूरत है, आप लोगों को ज़रूर से दिखाऊंगी। सेकंड ट्रिप पे बहुत जल्दी जाऊँगी मैं, सिर्फ कॉरिडोर देखूँगी फिर दर्शन नहीं करूँगी, क्योंकि आज मैं दर्शन करके आ गई हूँ, कॉरिडोर देखना बचा है मेरा रात में। किसी दिन शाम को ट्रिप लगाऊँगी, 1 घंटे का तो रास्ता है, यहाँ से तो पहुँच जाऊँगी और आप लोगों को भी ज़रूर से दिखाऊँगी। और आज तो आपने देख लिया महाकालेश्वर के दर्शन किए मैंने अंदर, वहाँ मोबाइल अलाउ नहीं था तो फ़ोटो अंदर कर ले नहीं पाई मैं। और अब हो चुकी है बहुत रात गई, तो मैं सोऊंगी, कल फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए है बाय बाय।